Hello friends, welcome to Asmi's Paradise. Today we are making a quick snack. एक quick snack बना रहे हैं आज. आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है. और ये देखिए हमारे पास है मैकरोनी, हमारे पास है दो छोटे बारीक कटे हुए प्याज, दो छोटे टमाटर जो हमने कद्दूकस कर लिए हैं, कॉर्न बॉईल किया हुआ, हरी मिर्ची और अदरक के मैंने पतले पतले ब्लांचेस काट लिए हैं, नमक और थोड़ी सी अजवाइन. तो आइए हम पहले प्रोसेस है कि हम इसको बॉईल करेंगे. मैकरोनी को पानी में पहले ही बॉईल कर गर्म करके रख दिया था. अब हम डाल देंगे इसमें मैकरोनी. पानी एकदम गर्म है अपना, गैस मैंने ऑन कर दिया है वापस से. थोड़ी देर के लिए मैकरोनी को बॉईल होने, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, करी चम्मच, थोड़ा सा नमक हाफ टी स्पून और इसको मिक्स कर दें. इसको हम रख देते हैं बॉईल करने के लिए और 10 मिनट बीच बीच में देखते रहे. अगर ये पूरी तरीके से बॉईल हो गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पूरी तरीके से, अब मैं इसको ढक्कन देके रखती हूँ. थोड़ा सा मैकरोनी को ना हम हिला देते हैं. 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन मैंने उठा दिया है. तो देखिए ये हमारी मैकरोनी बॉईल हो गई है, इसका साइज भी पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है. आज हमने बिल्कुल धीमी नहीं करी थी. ये देखिए ढक्कन उठा के देखते हैं, हमारी मैकरोनी के साइज एकदम बड़ी हो गया और जैसे कि मैं करछी से हिला रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि काफी सॉफ्ट हो गए हैं. अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको निकालेंगे एक टोकरी में. आप प्लीज इसको कवर्ड बर्तन में मत निकालें, जैसे कि बोल वगैरह में, क्योंकि ये चिपक जाएंगे. थोड़ी हवा इनको लगते रहनी चाहिए. ये ज्यादा गर्म है इसलिए मैंने इसको नीचे एक बोल रख दिया है ताकि पानी उसका सारा निकल जाए. ये देखिए ये हमारी मैकरोनी से बॉईल हो गई है. तेल और नमक की वजह से ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं है. अब जो हमने मैकरोनी निकाल ली थी, अब एक अलग से पैन ले लेते हैं. वो उसका जो बचा हुआ पानी था वो फेंक दीजिए. इसमें 3 चम्मच लगभग 3 से 4 चम्मच आप तेल ले लीजिए. इसमें हम डालते हैं अपने बारीक कटे हुए प्याज. आप सोच रहे होंगे मैं ये प्याज एक साइड से क्यों डाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने ये एक ही साइड से डाले हैं क्योंकि दूसरी साइड से जाएगी मेरी आधी चम्मच अजवाइन तेल के ऊपर. और हम ये देखिए अजवाइन फ्लटर कर रही है. मैंने पहले अजवाइन क्यों नहीं डाली, क्योंकि कभी कभी तेल गर्म होता है तो वो जल जाती है, तो उसका जो सुगंध है वो अच्छा नहीं आता है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक. गैस की आंच थोड़ी तेज कर दें. इसमें डालें 1/2 चम्मच नमक और अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये थोड़े से हल्के लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं. हल्के लाइट ब्राउन, ज्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना. देखिए प्याज मैंने एकदम बारीक काटे थे. प्याज देखिए हो गए हैं और अजवाइन की भी मस्त खुशबू आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अजवाइन भी भुन रही है. इसके साथ साथ अजवाइन से थोड़ा एक अलग सा देसी टेस्टी फ्लेवर आता है. ये बिल्कुल ही देसी किस्म की मैकरोनी बन रही है. अब हम थोड़ा बीच में तेल की जगह निकाल के उसमें ये हरी मिर्च जो हमने लंबी काटी हुई है बीच में से काट के रखी है थोड़ा तेल पे,
भून लेते हैं। ये देखिए ये भून गई है अच्छे से, हल्की हल्की भून रही है। थोड़ा और देर रखेंगे, 2 मिनट। आज हमने गैस की धीमी नहीं की है क्योंकि हमें प्याज भी पकाने हैं और ये मिर्चा भी साथ साथ भुननी है। थोड़ी और जगह बनाते हुए साथ में ये अदरक के जो ब्लांचेस छोटे छोटे हमने काटे थे, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि मैंने खाली कॉर्न रखा हुआ है, आप इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो बेल पेपर्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स, ब्रोकली। मैंने खाली कॉर्न रखा है, आंच थोड़ी धीमी कर लेते हैं। आप देखिए अदरक का भी एकदम अच्छा जो है फ्लेवर, तो उसकी खुशबू है अदरक की और अजवाइन की, दोनों की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर। आंच थोड़ी तेज कर लेते हैं क्योंकि टमाटर को पकने में टाइम लगता है, नहीं तो टमाटर का कच्चापन रह जाए। टमाटर जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा कद्दूकस करके डालती हूँ, आजकल वैसे टमाटर आते नहीं है जैसे आते थे पहले, एकदम गल जाते थे। आजकल इनके छिलके ऐसे रहते हैं जैसे टमाटर नहीं हो गई सब्जी के अंदर, टमाटर की ही सब्जी हो गई। आप देख रहे हैं हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से भुन गए। अभी कैसे पता चलेगा टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, तो ये देखिए साइड से ये जो तेल निकलता है ना, इससे पता चलता है कि टमाटर का पानी नहीं निकला, वो खत्म हो गया है। वो जो निकला था टमाटर का पानी, अभी तेल निकल के आया। थोड़ी सी इसमें 1 पिंच हल्दी डालेंगे, अब इसमें मेरा फेवरेट कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच लिया है मैंने, 1 टीस्पून वो डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से जो कलर आता है इसका बहुत ही बढ़िया। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न बॉईल किए हुए, ये देखे ये गए कॉर्न कढ़ाई के अंदर। मन तो कर रहा है यार ऐसे ही खा लूं, ये मसाला कॉर्न टाइप हो गए, ठीक है आज थोड़ी धीमी कर ले क्योंकि ये नहीं तो मिर्ची जल जाएगी एकदम। अब हम ये टाइम पे थोड़ा सा और नमक डालेंगे, इसमें हमने 1/2 चम्मच डाला था, अभी हमको इसमें मैक्रोनी भी ऐड करनी है। मैं धीरे धीरे नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हर किसी चीज में थोड़ा थोड़ा नमक जाना चाहिए। अब देखिए आंच धीमी ही रखिएगा, ये देखिए। अब हम इस पर डालेंगे मैक्रोनी जो हमने रखी थी टोकरी, ये मैक्रोनी। अब देखिए देखिए हमने सारी मैक्रोनी डाल दी है और हम अच्छे से सारे मसालों को मैक्रोनी में मिक्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्रोनी एकदम रेडिश रेडिश हो गई है, जैसे कि रेड पास्ता सॉस में डली हुई है, बट ये हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनी है जिसमें घर पे ही जितने भी इंग्रेडिएंट्स है आपके पास आप उनसे ही ये बना सकते हैं। ये देखिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार चेक करके ही इसमें डालें, आंच धीमी रखें नहीं तो मैक्रोनी नीचे से चिपक जाएगी आपकी कढ़ाई या आपके पैन में। मैंने ये लगभग 300 ग्राम मैक्रोनी ली थी, उसके हिसाब से ही सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं।
क्योंकि आजकल लॉकडाउन में इतना कुछ मिलता नहीं है मार्केट में, तो हम लोग जो है जो भी घर में है हमारे, आप उसी से ये मैक्रोनी बना सकते हैं। आप इसमें सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इसको एक बर्तन में निकाल के, और ये हो गई हमारी मैक्रोनी तैयार। और अब हमने कर दी है गैस बंद, क्योंकि हमारी मैक्रोनी है रेडी। दिस इज अ क्विक टाइम, आप चाय के साथ स्नैक्स टाइम पे इसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ये है हमारी मैक्रोनी तैयार स्नैक टाइम पे खाने के लिए। मेरा भी मैं रुक नहीं पा रही हूँ, मैं टेस्ट करूंगी। थोड़ी सी स्पाइसी है पर ऑसम है, जो उसके अजवाइन का और जो अदरक का फ्लेवर आ रहा है अंदर, दैट इज रियली गुड। थोड़ा पास्ता मैंने निकाल के रखा है, रेड पास्ता हम लोगों ने खाया। अभी इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके हम कुछ व्हाइट भी करेंगे, इसमें व्हाइट पास्ता सॉस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्हाइट पास्ता सॉस के साथ भी इसको खा सकते हैं। सो लेट्स मेक पास्ता सॉस। सो हियर आई पुट सम बटर, थोड़ी सी बटर डालेंगे और सब उसको अच्छे से हिला लेंगे। गैस को तेज कर देती हूँ, जल्दी गल जाएगी बटर। बटर पूरी तरह जला ले, तो जरा भी थोड़ा लम्स ना रखे। बटर गल गई है और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने मैदा नहीं लिया है, यूजुअली लोग मैदा डालते हैं, ये मैंने अपना घर का जो व्हीट आटा है वो लिया है। सो डेढ़ स्पून हम लोग इसमें व्हीट का आटा डालेंगे, व्हीट का आटा हेल्दी होता है हमेशा मैदे से। तो ये बटर में हमने पूरी तरह इसको मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, ये हमारी बन जाएगी पास्ता सॉस। लेकिन व्हीट क्या है, अब इसको थोड़ा बॉईल होने दें। ये देखिए हमारी पास्ता सॉस गाढ़ी हो गई है, सिम पे कर दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी मैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब ये जो बचा हुआ रेड पास्ता है जो हमने अलग निकाल लिया था, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी बोलते हैं मार्केट जैसा पास्ता चाहिए मम्मी। ये देखिए दिस इज व्हाइट सॉस। ये देखिए हमारा पास्ता ऑलरेडी हो गया है रेडी, तो बंद कर देते हैं। थोड़ी पास्ता सॉस डाल दी है, ये हो गई इसकी प्लेटिंग। Here we go. तो आप एक ही टाइम पे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। सो आपको अलग अलग पास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पास्ता में आप रेड पास्ता और ये थोड़ा सा आप व्हाइट सॉस डालेंगे तो ये बच्चों के लिए भी हो जाएगी, बिकॉज उनको हमेशा चाहिए होता है कुछ क्रीमी जो बाजार के जैसा लगे। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल्सो टू डू। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये पास्ता, 2-in-1 पास्ता।